by Michel de Montaigne earlier, and now our next essay is Dream Children by Charles Lamb. Charles Lamb was born in 1775 and died in 1834 at the age of 59. He is considered as a romantic age essayist. The age started in 1798, but he was born in 1775, but we still consider him as a romantic age essayist because when he started to write, that was romantic age. His father was John Lamb and his mother was Elizabeth Field. We should know about his family background and what was going on in his family because Dream Children is an almost autobiographical essay. His elder brother was John Lamb. His elder sister was Mary Lamb, who was 11 years older than Charles. Then he also has four other siblings who did not survive from infancy. One other important character is Mrs. Field in his life. She was his maternal grandmother with whom Charles spent his childhood. वो कंट्री हाउस में उनका एक घर था. वो मिसेस प्लम्बर की एक्चुअली सर्वेंट थी. हम नहीं बोल सकते कि वो उस हाउस को ऑन करती थी, बट क्या है कि वो उसको एक तरह से संभाल के रखती थी. वो उनकी ड्यूटी थी. और जो मिसेस प्लम्बर थी वो कुछ टाइम के बाद अपने दूसरे घर में एक फैंसी हाउस में शिफ्ट हो गई थी. सो जो घर था वो मिसेस फील्ड के पास रह गया और जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस घर की वो उन्हीं को दे दी गई. एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट शी इन वन सेंस कैन बी कॉल्ड ओनर बिकॉज शी हैज ऑल द ड्यूटीज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाउस. When Charles Lamb was in school, he also became friend with a lot of the important poet which later became important characters in our romantic age, but at that time they were students like St. Samuel Taylor College, ST College. In 1792, Charles Lamb fell in love with Anne Simons, an actress, but we do not have any proof of any relationship with her. Here
के नाम से प्रिंट कर दिया। उसके अलावा वो एज ए क्लर्क जॉब करते थे इन द इंडिया हाउस। इंडिया हाउस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर 10 इयर्स ऑफ 1823 दिस इट वाज पब्लिश्ड इन 1823। इन 1833 द सेकेंड एडिशन ऑफ दिस बुक वॉज पब्लिश्ड अंडर द टाइटल द लास्ट एसेज ऑफ इंडिया। द लास्ट एसेज ऑफ इंडिया इन 1833 एंड ही डाइड इन नेक्स्ट ईयर इन 1834 बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन कॉल्ड एनसाइफिलिस। दिस इज अ स्किन इन्फेक्शन। ओके, दिस इज मेन अबाउट चार्ल्स लैंड विच वी हैव विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिफोर रीडिंग द एसे। नाउ इन एसे वी हैव अवर कैरेक्टर्स टू ड्रीम चिल्ड्रन। और एसे द नेम ऑफ द एसे इज ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवल। द टाइटल इटसेल्फ टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन हियर आर ड्रीम बिकॉज चार्ल्स नेवर मैरिड। So he here write about dream his dream children. They are John and Alice. John is son, Alice is daughter. इस ऐसे में उन्होंने कंप्लीट ऐसे में किस बारे में बात की है कि कैसे उनके बच्चे उनसे जिद करते हैं कि वो उन्हें अपने ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर और जो उनकी पास्ट की स्टोरीज हैं चार्ल्स लैम की जो उनके बारे में उनको बताएं, जैसे कि नॉवेल्स बच्चे करते हैं। सेम वे में हमारे पास यहाँ पे चलेगा अदर कैरेक्टर्स हमारे पास जो है वो है उनकी ड्रीम वाइफ एलिस विंटरटन। उन्होंने अपने ऐसे में हमें कंप्लीट नेम नहीं दिया बट क्रिटिक्स ने इसको बोला है ये है एलिस विंटरटन। द वाइफ इज ड्रीम इमेजिनरी and these both children are also imaginary. Other character is John Lamb which was his real brother and he used her sister's name as cousin Bridget not Mary Lamb. This is important for us to know before the reading the essay. Tomorrow we will read the essay line by line.